इस क्लास में देखो बेटा हम लोग बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं याद करो हमने रिलेशनल एल्जेब्रा डीबीएमएस में पढ़ा हुआ था याद है रिलेशनल की की बात थी हमने डीबीएमएस में तो रिलेशनल एल्जेब्रा में याद करो हम बात करते थे की जब हम एक से ज्यादा टेबल को ज्वाइन करके रिजल्ट रिट्रीव करना चाहते हैं तो हम ज्वाइन ऑपरेशन यूज करते हैं तो रिलेशनल एल्जेब्रा में भी ज्वाइन था आज उसका हम प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखेंगे ठीक है तो ज्वाइन की जरूरत कहाँ होती है तो मान लो हमारे पास बहुत सारे टेबल्स है ठीक है मल्टीपल टेबल्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां आप वर्क कर रहे हो वहां आपके डेटा बेस में टेबल्स है, ठीक है तो कभी कभी आपको जरूरत होती है कि आप एक से ज्यादा टेबल को ज्वाइन करके रिजल्ट रिट्रीव कर पाओ मतलब जो रिजल्ट है वो आपका एक टेबल से नहीं आता आपको मल्टीपल टेबल को ज्वाइन करके रिट्रीव करना होता है तब हमें ज्वाइन ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है ठीक है तो आज हम देखेंगे ज्वाइन होता क्या है और कौन कौन से ज्वाइन को हम डिस्कस करने वाले हैं सो सो फार वी हैव रिटन स्टेटमेंट अगेंस्ट अ सिंगल टेबल अभी तक जितने भी हमने स्टेटमेंट की बात की वो सारे के सारे सिंगल टेबल से हमने क्वेरी एग्जीक्यूट किया और रिजल्ट रिट्रीव किया हुआ है ठीक है नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स यूजिंग ज्वाइन आज जो हम बात करने वाले हैं अब अगर मुझे ऐसे रिजल्ट्स की जरूरत है जो आपके एक टेबल से ना आ पाए मल्टीपल टेबल से जरूरत पड़े तो तो हम क्या करते हैं ज्वाइन का यूज करते हैं ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ retrieving ऑफ from डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल single स्टेटमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड यूजफुल useful ऑफ एनी any RDBMS, मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमने डिस्कस भी किया हुआ था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कि आप क्या कर सको मल्टीपल टेबल से रोज को रिट्रीव कर पाओ कॉलम को रिट्रीव कर पाओ या भी जो भी आपका डिजायर्ड आउटकम आपको जो चाहिए जो भी डिजायर्ड है आपका आउटपुट वो मल्टीपल टेबल से अगर आपको रिट्रीव करना है तो ये आरडीबीएमएस के रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की मैनेजमेंट सिस्टम का फीचर है ज्वाइन के थ्रू आप उसको रिट्रीव कर सकते हो ओके सो ज्वाइन इज अ क्वेरी दैट इज यूज्ड टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स और व्यूज

इन सेकेंड टेबल जनरली हम जो ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो कैसे करते हैं समझो जैसे अगर मान लो एक स्टूडेंट टेबल है हम बात करते हैं एक स्टूडेंट टेबल है और ये आपका टीचर टेबल है तो स्टूडेंट टेबल में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट टेबल में हमारे पास स्टूडेंट आईडी है स्टूडेंट नेम है स्टूडेंट एड्रेस है। और यहां पर हमारे पास टीचर आईडी है ठीक है अब यहां पर आपका टीचर आईडी है टीचर आईडी टीचर का नाम और एड्रेस है तो अगर मुझे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन निकालनी है जो कि स्टूडेंट और टीचर को कंबाइन करके निकलेगी जैसे कि अगर मान लो मुझे ये सर्च करना है कि कौन सा जो टीचर है इस पर्टिकुलर आईडी को टीच करता है ठीक है यह सिंपल सी बात है जो ये स्टूडेंट आईडी है उस स्टूडेंट को कौन सा टीचर पढ़ाता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा और ज्वाइन करके क्योंकि मुझे कुछ इंफॉर्मेशन स्टूडेंट से चाहिए जैसे स्टूडेंट आई और कौन सा टीचर उसको पढ़ाता है तो टीचर आई चाहिए तो स्टूडेंट और टीचर दोनों को कंबाइन करके मैं इसको इस को सॉल्व कर सकता पर ठीक है तो बट ऑफ इसे अगर आप दोनों टेबल को ज्वाइन करना चाहते हो तो कॉमन कॉलम होना चाहिए जनरल सिनेरियो है कॉमन कॉलम होना चाहिए ठीक है अब कॉमन कॉलम होता है वो जनरली क्या होता है एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे का फॉरन की जैसे अगर यहां देखो टीचर आईडी यहाँ प्राइमरी की है और यहां टीचर आईडी क्या है फॉरेन की है ठीक है इनको आप यूज कर सकते हो ठीक है तो एक टेबल में जो प्राइमरी की होगा वो दूसरे में क्या हो अगर यूज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं फॉरन की बोलते हैं तो प्राइमरी की फॉरेन की के बेस पे आप ज्वाइंट कर इज दैट क्लियर बात समझ में आ रही है और जैसे अगर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लू स्टूडेंट और टीचर का और स्टूडेंट के पास समझ लो स्टूडेंट टेबल है और स्टूडेंट टेबल के पास है स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम स्टूडेंट एड्रेस ठीक है और टीचर जो टेबल है टीचर टेबल के पास है टीचर आईडी टीचर नेम टीचर एड्रेस और स्टूडेंट आईडी ऐसा कुछ है तो अगर आप यहां देखो जो स्टूडेंट है उसमें स्टूडेंट आईडी क्या है प्राइमरी की तो बट ऑबियसली अगर यहां प्राइमरी की है तो टीचर टेबल में स्टूडेंट आईडी क्या होगा फॉरेन की होगा क्लियर हो रही बात इतनी तो स्टूडेंट आईडी के बेस पे आप स्टूडेंट और टीचर टेबल को ज्वाइन कर सकते हो तो इन जनरल वी आर यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरन की कॉलम्स फॉर ज्वाइन ऑपरेशन तो यहां बात समझ में आ गई यहां तक क्लियर है ज्वाइन इज गुड इफ इट इज बेस्ड ऑन प्राइमरी एंड फॉरन की तो ज्वाइन जो ऑपरेशन होता है वो रिजल्ट बिल्कुल आपका अप्रोप्रिएट देता है अगर वो प्राइमरी की और फॉर की होगा अब मैंने आपको बताया था बेटा कि जब भी आप ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो ज्वाइन ऑपरेशन में आपके पास दो चीजें होती है एक तो होता है कार्टिशन प्रोडक्ट एक क्या होता है कार्टिशन प्रोडक्ट और दूसरा आप क्या करते हो सेलेक्शन अप्लाई करते हो तो ज्वाइन जो है दो ऑपरेशन का मिक्स है. एक है प्रोडक्ट और दूसरा सिलेक्शन ठीक है? तो जब भी आप ज्वाइन करोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट तो हो होगा तो ही हो होगा ज्वाइन तो हो की कंडीशन लगाओगे थेके? तो अगर इन जनरल हम बात करें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करता है सारे के सारे जो पहले टेबल में रोज है उसका कॉम्बिनेशन दूसरे टेबल के साथ निकालता है ठीक है वो जनरली इंट होता है इन जनरल होता है लेकिन उसके भी कंडीशन लगाते हैं तो कंडीशन के बाद हमारे पास जो रो फिल्टर आउट होते हैं वो आपके इन कार्टिशन प्रोडक्ट ऑल रोज इन द फर्स्ट टेबल टू ऑल रोज इन द सेकेंड टेबल कार्टिशन प्रोडक्ट टेन टू जनरेट अज नंबर ऑफ रोज एंडल्ट इज रेयरली यूज

आपके नीड वाले हैं जो उस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप को मैच कर रहे हैं ठीक है थीके? या जो कॉमन कॉलम के बेस पे हो रहे हैं जितने भी हम ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसमें चार टेबल की जरूरत पड़ेगी आपको इंप्लॉई टेबल आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है ये देखो ये पहला जो टेबल है मैं आपको बताता जा रहा हूं ये टेबल जो है वो इंप्लॉय टेबल है ये जो टेबल दिख रहा है इंप्लॉई टेबल आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है इंप्लॉई नंबर ई नेम कॉलम है जॉब कॉलम है एमसीआर है हाई डेट है सैलरी है कमीशन है डिपार्टमेंट नंबर है ओके okay? और ये जो दूसरा टेबल आपको जो दिख रहा है ये ये आपका आपका जो टेबल है डिपार्टमेंट टेबल है कौन सा टेबल है डिपार्टमेंट जिसमें डिपार्टमेंट नंबर है डी नेम है और एल ओसी है लोकेशन डिपार्टमेंट नंबर टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी डी नेम डिपार्टमेंट नेम है एलओसी मतलब लोकेशन ये आपका टेबल है डिपार्टमेंट टेबल ध्यान रखते चलना डीपीटी टेबल ये आपका इंप्लॉई टेबल है मतलब ईएमपी टेबल टेबल ये आपका टेबल ये आपका डीपीटी है जो आपको थर्ड टेबल दिख रहा है इसका नाम है डीपीटी वन ठीक है जिसमें डिपार्टमेंट नंबर डी नेम मतलब डिपार्टमेंट नेम एल मतलब लोकेशन और साथ में पोजिशन भी गिवन है और ध्यान रखना ये रोज भी बिल्कुल एग्जैक्ट आपको सेम रखना है ठीक है जिससे हम जो क्वेरीज एग्जीक्यूट करें सबका सिमिलर रिजल्ट है जिसमें हम डिस्कशन कर पाए फिर आपको ये जो टेबल लास्ट में दिख रहा है इसका नाम है डिपार्टमेंट टू डी पी टी टू जिसमें डिपार्टमेंट नंबर वन डिपार्टमेंट नेम वन लोकेशन एल ओ सी पोजिशन ठीक है तो दीज आर द कॉलम्स इन डिपार्टमेंट टू ठीक है इसके लिए देखो मैं क्वेरीज भी आपको बता रहा हूं जनरल जो इंप्लॉय टेबल है उसके लिए तो मैं आपको ये टेबल क्रिएट करना मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है और एक पर्टिकुलर फोर्टीन रोज है जिसका इंसर्शन कमांड यहां लिखा हुआ है आपने इॉ टेबल ऑलरेडी बनाया हुआ है ठीक है अब अगर आपको डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट करना है उसके लिए देखो क्रिएट टेबल ये है जिसमें आपका डिपार्टमेंट नंबर कॉलम 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 है है और है डी नेम और और ये ये जो फोर इंसर्ट करने हैं यहां मैंने आपको बता दिया है यही सेम एग्जैक्ट आपको फोर रोज इंसर्ट करने क्लियर है नेक्स्ट बात करता हूं डिपार्टमेंट वन की तो डिपार्टमेंट वन जो टेबल है उसमें अगर आप देखो तो आपके पास फोर कॉलम्स डिपार्टमेंट नंबर जो नंबर टाइप का है डी नेम जो वैरकेट टू टाइप का है और पोजिशन है. Exactly है फिर आ जाओ डिपार्टमेंट टू पे डिपार्टमेंट टू में आप देखो तो आपके पास फोर कॉलम्स है डिपार्टमेंट नंबर वन नंबर टाइप का डी नेम वन वैरकेट टू टाइप का एलओसी वैरकेट टू टाइप का पोजिशन वेरकेट टू टाइप का जो फोर रोज इंसर्ट करने बेटा वो मैंने आपको यहां बता दिए यही फोर रोज आपको इंसर्ट करने हैं तो ये आपको ध्यान रखना आपको चार टेबल क्रिएट करने हैं इंप्लॉई EMP, DPT, और डीपीटी टू जिसको हम ज्वाइन के लिए यूज करेंगे ज्वाइन कहना चाहिए ज्वाइन के स्टेटमेंट और ज्वाइन के कमांड्स के लिए यूज करने वाले हैं तो यहां तक तो बात समझ में आ गई नाउ सपोज यू वॉन्ट लिस्ट ऑफ ऑल विदर डिपार्टमेंट समझो मेरी बात मुझे नेम के साथ मतलब के चाहिए कुल मिला के विद ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट अब अगर आप देखो इंप्लॉयल को है, इसमें इंप्लॉय का नाम तो दिख रहा है लेकिन इंप्लॉय का नाम तो दिख रहा है लेकिन आप समझो आपको यहां डिपार्टमेंट नंबर भी दिख रहा है लेकिन डिपार्टमेंट का नाम नहीं है डिपार्टमेंट का नाम कहां है डिपार्टमेंट टेबल में देखो डीपीटी टेबल में या डीपीटी वन में है या डीपीटी टू में है मेरी बात समझ रहे हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा या इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा या इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा बिकॉज यहां मेरे पास इंप्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट टेबल डिपार्टमेंट नेम नहीं है अब मर्ज में इन दोनों को कर सकता हूं देखो क्यों क्योंकि यहां डिपार्टमेंट नंबर है और यहां भी डिपार्टमेंट नंबर है जो दोनों में कैसा है कॉमन है यहां देखो डिपार्टमेंट नंबर है यहां भी जो दोनों में कॉमन है यहां ये क्या होगा डिपार्टमेंट नंबर कैसा होगा प्राइमरी की और ये वाला डिपार्टमेंट नंबर कैसा होगा फॉरेन की क्योंकि देखो यहां यूनिक है टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी यहां यूनिक नहीं है डुप्लीकेट वैल्यूज है इसलिए फॉरेन की है पक्का है और यहां जो है ना ये प्राइमरी की है बात समझ में आ रही है क्लियर हो रहा है तो यहां मैं इन दोनों टेबल को ज्वाइन करके अपना जो भी मुझे रिजल्ट चाहिए वो मैं रिट्रीव कर सकता हूं ठीक है तो जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब आपको एक से ज्यादा टेबल की जरूरत पड़ेगी तो आप ज्वाइन ऑपरेशन यूज करोगे और इन जनरल आप प्राइमरी और फॉरन की का यूज करोगे ठीक है सो इन ऑर्डर टू सॉल्व वी विल हैव टू सोल्व द डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट बिकॉज ई नेम बिलोंग्स टू एम्प्लॉय एंड डी नेम बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट दिस इज वेयर वी विल हैव टू अपलाई ज्वाइन ठीक है यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को क्लियर है सो फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप ऑफ ज्वाइन सपोर्टेड बाई कल फर्स्ट इज कार्टिशन ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन इक्विज्वाइन सेल्फ ज्वाइन लेफ्ट आउटर ज्वाइन राइट आउटर ज्वाइन फुल आउटर ज्वाइन नॉन इक्विज्वाइन नेचुरल ज्वाइन डीज आर द ज्वाइन जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं सब्सिक्वेंट क्लासेस में